चोर को पकड़ा चोरी करते। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के ग्राम ओता टोला का है, जहां शिवपाल राजपूत के मकान में चोर रात 8 बजे के लगभग घर में घुस गया। घर के लोग अपने काम के लिए दूसरे घर में थे और घर में अकेली औरत थी। तभी चोर ने ताला तोड़ा तो घर में कुछ आवाज आए और नीचे देखा तो अज्ञात चोर घुसा था। तभी घर से आवाज आई और लोगों ने घर को चारों ओर से घेर लिया और चोर को दबोच लिया। चोर के पास एक बाइक बरामद की, जो उसने घर से कुछ दूर रख दी थी। तभी शिवपाल राजपूत ने 100 डायल कर पुलिस बुला ली और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर ने अपना नाम बालमुकुंद बताया, जो पास के गांव नवेनी का रहने वाला बताया। नगर में हो रही अनचाही चोरी पर कबला काम लगेगी। देखने वाली बात तो यह है कि अभी एक हफ्ते पहले राठनगर और मुस्करा में चोरी हुई थी। अभी तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई कि चोरों ने एक और चोरी को अंजाम देना चाहा और पकड़ा गया। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि शाम होते ही अंजाम देने लग जाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? शिवपाल। क्या घटना हुई है दादा? घटना ये हुई कि मैं बाड़ी में था अपने, तो घर से औरतों ने आवाज दी कि कोई अंदर चोर घुसा है। तो मैं जब आया बाड़ी से तो उसको पकड़ा, वो अंदर चोरी करने का प्रयास कर रहा था, कमरा खोल लिया था उसने। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई अंदर है? घर वाली जो औरत पत्नी है हमारी, उसने आवाज लगाई। तो आपने उसको पकड़ लिया? हाँ, फिर मैंने पकड़ लिया। क्या नाम बताया उसने? नाम उसने बाद में बताया कि मैंने बालमुकुंद नाम बताया उसने, नवेनी का रहने वाला बताया उसने। अच्छा, पूछताछ की उससे जब। तो और कुछ उसके यहाँ से बरामद किया जो आपका सामान ले जा रहा था? ऐसा कोई घटना हुई जो ले गया हो कुछ? अंदर कमरे में जैसे घुसा तो औरतों को आहट मिल गई उसकी, फिर वो नीचे आई, उन्होंने देखा कि ये कोई दूसरा, तो उन्होंने आवाज लगा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने प्रयास किया चोरी के, लेकिन चोरी सामान नहीं निकाल पाया उसने। अच्छा, कोई और था उसके साथ? नहीं, अकेला था वो। अकेला था। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, हमने 100 नंबर को डायल किया तो पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई, पुलिस उसको ले गई।